हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है मैं आपको समाकलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम पर प्रत्येक बार रिपीट होते रहते हैं। तो उसी सीरीज पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, जिस पर मैंने आपके कुछ मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो 4 से 5 बार कम से कम एग्जाम पर आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम पर। 2020 में भी उनके आने के पूरे पूरे चांसेस पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। मैं आपको 4 से 5 वीडियो देता हूं ताकि आपकी प्रिपेयरिंग अच्छी हो सके और अच्छे मार्क आप ला सकें। तो आप भी मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये समाकलन का क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, फिर 17, 18, 19, मतलब कि 3 साल लगातार पूछा गया है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन की पावर 8x है और ये कॉस की पावर 8x है, इसको हम तोड़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, साइन की पावर एक्स आपका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये नीचे वाली वैल्यू में काट नहीं दूंगा तब तक मैं इसका समाकलन नहीं कर सकता। तो आइए थोड़ा स्पीड पर देखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, यानी कि 4 × 8, यानी कि वही लिखा हुआ है 4 × 8 साइन की पावर 8x और माइनस कॉस की पावर 8x, अपान में जो लिखा हुआ है उसे उसी प्रकार लिख लेते हैं। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोल देंगे। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, और कोष्टक में ए माइनस बी, एक अच्छा 4 से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे खोल दूंगा, तो हो क्या जाएगा, साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपके पास में यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया हूं कि आपको इस फार्मूले से समझ में आ जाए। अपान जो नीचे लिखा हुआ है उसे उसी प्रकार लिख लूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद क्या होगा, समझिएगा मेरी बात, इसको फिर मुझे माइनस यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि प्लस वाला फार्मूला मेरे पास नहीं होता, तो मैं इसके आसान करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको और बता देता हूँ, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, क्या होता है प्लस के 2ab। अब आप क्या करेंगे, इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो जब यहाँ से करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ये जो प्लस का 2ab है इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो सबसे पहले इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना लेंगे और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना लेंगे, ये दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जल्दी से इसे मैं बना लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसे ऐसे बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे इसे भी बनाना है, तो इसे क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब अपान में जो बचा हुआ है उसे उसी प्रकार यहीं पे लिख लूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपके बात समझ में ना आ रही हो तो आपको एक काम और कर लेना है, ये साइन स्क्वायर प्लस साइन बाद में बताऊंगा मैं दूसरी ट्रिक, इसका फर्स्ट मेथड देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जब इस पर आप खोलेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए का मान कितना है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद होता है माइनस का 2ab, तो यानी कि माइनस का 2 और ए का मान कितना है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद ए बी, बी का मान कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद यहाँ पे मैं वही वाला कोष्टक जो लगा था लगा देता हूं, फिर देखिएगा क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे खोल दिया, इसके बाद ये वाला जो बचा इसे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में खोल देंगे, तो वो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है, एक कोष्टक में ये हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो इधर भी हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। इसके बाद वन का स्क्वायर होगा वन, तो यहाँ पे लिख दूंगा टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बचा क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा वन, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और वो एक हो जाएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा। अपान में लिखा हुआ था वन माइनस के टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैंने अपान में नहीं लिखा क्योंकि जगह की थोड़ा सा शॉर्टेज है, लिख देता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो वही अपान वाला यहाँ पे लिखूंगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वन माइनस के टू साइन स्क्वायर एक्स से वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स से। अब ये बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बराबर में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते क्या है, आप जानते हैं कि कॉस टू एक्स बराबर एक फार्मूला होता है, कॉस टू एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर का मैं मिटा लेता हूं, इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। तब यहां से आप करेंगे क्या, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे। तो जब मैं इससे माइनस कॉमन करूंगा तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपके क्या होता है, ये माइनस बाहर कर सकते हैं आप, लेकिन मैं अंदर का तो माइनस का क्या होता है कॉस टू एक्स, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था। अब माइनस का कॉस टू एक्स का आप समाकलन बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कॉस एक्स का समाकलन होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि कॉस एक्स का जो होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है टू एक्स, तो इसको आप लेट कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे आप, लेट टू एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो ये टू बटन चला जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स बराबर वन अपॉन टू डी टी। तो कुल मिला के जहां पे इधर डी एक्स लगा हुआ है पूरे क्वेश्चन पर, यहाँ पे मैंने डी एक्स नहीं लिखा था, पूरे क्वेश्चन पर बिना dx के समाकल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे dx के स्थान पर आप क्या रख देंगे, वन अपॉन टू डी टी, और इस 2x के स्थान पर रख देंगे t। तो यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे हो क्या जाएगा माइनस का cos t रख दिया मैंने, देखिए 2x के स्थान पर t रख दिया, और dx के स्थान पर यहाँ पे जो dx लिखा हुआ है वन अपॉन टू डी टी, तो इस वन बाई टू को मैं क्या करूंगा इधर लिख दूंगा और इंटू में डी टी। तो अब ये बन गया कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस का वन बाई टू साइन टी। अब टी की वैल्यू रख देंगे तो टी की वैल्यू क्या है टू एक्स, तो हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, माइनस के वन बाय टू साइन टू एक्स प्लस सी। अगर दोस्तों आप इसे और आसानी से या फिर आप और माइंडली करना चाहते हैं तो साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स में प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ देंगे, और माइनस का टू साइन एक्स इंटू कॉस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जितना जोड़ेंगे मतलब उतना घटा देंगे, तो भी ये फार्मूला बन जाएगा और नीचे से कट जाएगा और समाकलन करके इतना ही आंसर आ जाएगा। मैंने आपको सिंपल से फार्मूले बता दिए हैं, इनसे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपान में रूट एक्स। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब क्या किया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं आप रूट एक्स को आप मान लेंगे वन अपॉन टू रूट एक्स इसका अवकलन होता है, तो ये नीचे वाला मिल जाएगा तो ऊपर वाले का आसानी से हो जाएगा, तो इधर सीधा लेट कर लेंगे, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा इसका जब कर देंगे आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी मेरे कहने का मतलब है हिंदी में कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा रूट एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अब कैसा होता है ये भी देख लीजिए, एक्स की पावर वन बाय टू को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर वन बाय टू रूट एक्स को लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अवकलन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस के वन, तो आप एन के स्थान पर जब इसे यूज करेंगे तो एक्स की पावर वन बाय टू हो जाएगा, तो एक एक बटा तो पहले आ जाएगा क्योंकि एन पहले आ जाता है और एन में माइनस वन घट जाता है, सिंपल सी बात ये रखो। तो जब आप इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हो क्या जाएगा वन बाय टू एक्स की पावर, इधर एलसीएम लेंगे जब आप तो ये हो जाएगा माइनस के वन बाय टू, क्या हो जाएगा माइनस के वन बाय टू, क्योंकि ये आ जाएगा टू तो वन माइनस टू हो जाएगा, तो जब घटाएंगे तो माइनस का वन बचेगा तो ये एलसीएम वाला टू, इसके बाद ये वन बाय टू है तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू
एक्स की पावर प्लस वन बाई टू। अब ये प्लस वन बाई टू को आप क्या रूट लगा सकते हैं इसको हटा के, तो आपने क्या देखा कि रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। ये मैं अवकलन की बात की है यहाँ पर, किसकी अवकलन की, ना कि समाकलन की। आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि रूट एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है वन अपॉन टू रूट एक्स। इसके बाद क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप क्या करेंगे, रूट एक्स के स्थान पर इधर टी रख देंगे, तो कॉस टी, और इस वन अपॉइंट टू रूट एक्स है तो ये टू एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप इसे उधर खींच के ले जाएंगे तो गुणे में, तो इधर क्या में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये टू डी टी रखना है, तो टू को पहले करके यहाँ पे डी टी कर देता हूँ। अब आप जानते हैं कि कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स, तो हो जाएगा टू, और एक इंटीग्रेट कॉस टी का क्या हो जाएगा, साइन टी, साइन टी प्लस सी, और टी के स्थान पर क्या रख देंगे आप, रूट एक्स, तो हो जाएगा टू साइन रूट एक्स प्लस सी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपान ई की पावर एक्स माइनस वन। ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कितने बार पूछा गया ये मुझे आप बताइए, 2008 में, 9 में, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, तो ये 2020 में भी आने के इसके चांसेस पाए जाते हैं ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो यहीं पे वीडियो समाप्त कर दीजिए, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन अब वीडियो में बताऊंगा और वीडियो को समाप्त कर दूंगा। नहीं आता तो अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो आपको करना क्या होता है, ई की पावर एक्स का ऊपर नीचे भाग दे देना होता है, या फिर ई की पावर एक्स क्या कर लेना होता है, कॉमन कर लेना होता है। देखो मैं ई की पावर एक्स कॉमन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ई की पावर एक्स मान लो मैंने नीचे कॉमन लिया, तो e की पावर x यहाँ पे गया, तो 1 माइनस e की पावर माइनस x हो गया कि ना हो गया। और ये e की पावर x को जब ऊपर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप आंसर में दोनों में e की पावर माइनस x से क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, e की पावर x से, सॉरी, भाग दे सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे देके दिखा देता हूँ, 1 के अपान में जब आप e की पावर x का भाग देंगे और e की पावर x माइनस 1 के अपान में जब आप e की पावर x का भाग देंगे तो होगा क्या, e की पावर x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस x। इसको आप अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x अपान e की पावर x माइनस के 1 अपान e की पावर x। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e की पावर x अपान 1 माइनस के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस x। तो बात एक ही है, ऐसे क्वेश्चनों में चाहे आंसर और हर दोनों में e की पावर x का भाग दे दीजिए अथवा e की पावर x कॉमन कर लीजिए। इतनी बात आपके समझ में उम्मीद करता हूं आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे dx था, अब ये जो नीचे दिया गया है आप इसे सिंपल लेट कर लेंगे, तो ये हो क्या जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो अब इसे जब ऐसे इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। तो इसके बाद करेंगे माइनस ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का भी हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, परंतु यहाँ पर माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर पुनः अवकलन करेंगे जब आप माइनस एक्स का, तो हो जाएगा एक्स का अवकलन होता है 1, तो और हो जाएगा डी एक्स बराबर के डी टी। अब इसके बाद क्या होगा, ये माइनस इसे कर देगा प्लस, यानी कि e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स के स्थान पर, इतने के स्थान पर क्या रख देंगे, ये डी एक्स के साथ डी टी रख देंगे, और वन अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं फिर बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा e की पावर और ये डी एक्स के स्थान पर आप क्या रख देंगे, डी टी, क्या रखेंगे, डी टी अपान 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, टी। तो ये कुल मिला के क्या बन गया, इंटू में डी टी ये दिया गया, तो क्या बन गया, ये 1 अपान टी इंटू डी टी। तो आप जानते हैं इंटीग्रेट 1 अपान एक्स का फार्मूला होता है लॉग एक्स, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी, तो यही लगा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी। अब ये टी की वैल्यू यहाँ से आप रख देंगे 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो हो जाएगा लॉग 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, मैं आपसे मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।